हरदा जिले की टिमंडी तहसील की कराटे खिलाड़ी लोकेश प्रधान बैंकॉक में 18 से 22 जुलाई तक होने वाली थाईलैंड इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टिमंडी कराटे प्रशिक्षक रितेश तिवारी ने बताया कि लोकेश ने लगातार मुंबई, गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में स्वर्ण पदक जीतकर यह स्थान प्राप्त किया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र गुजरे ने बताया कि लोकेश प्रधान के पिता रामविलास प्रधान रेलवे में कार्यरत हैं और माता ज्योति प्रधान गृहिणी हैं, जिनके प्रोत्साहन और कोच रितेश तिवारी के मार्गदर्शन के चलते ही लोकेश ने हर प्रतियोगिता में भाग लिया और पदक भी हासिल किए। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि लोकेश ने 13 साल की उम्र में ही ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया था। लोकेश की इस उपलब्धि पर विधायक संजय शाह, भारतीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक रतन गंभीर, सुनील दुबे, कन्याशाला प्राचार्य मुकेश तिवारी, नेहा यादव, महाविद्यालय कराटे प्रशिक्षिका भावना चौबे, मना मंडलेकर, नीलम राय, मिहिर सितोरे, लवकुश बर्दिया, अनिश कहार, अनूप सुंगले, खुशबू गहलोत, रिंकी परते एवं समस्त त्रिमंडी नगरवासी खेल प्रेमियों एवं कराटे परिवार ने लोकेश को बधाई देकर थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शुभकामनाएं दी।